हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गुड़ के खीर की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं खीर बनाना। तो दोस्तों, अगर इस तरह से खीर बनाओगे ना, आपकी खीर कभी फटेगी नहीं। तो गुड़ की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 लीटर भैंस का दूध। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ना दूध में पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो चलिए, अब दूध को हम रखते हैं गैस पे और इसे अच्छे से थिक करेंगे। तो यहाँ पे लिया है मैंने मोटा वाला चावल। तो दोस्तों, कभी भी खीर बनाए ना तो मोटे वाले चावल से बनाएं, खीर बहुत टेस्टी बनती है। तो आपके पास जो भी चावल होगा आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो चावल अच्छे से फूल गया था, मैंने इसको आधे घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दूध भी गर्म हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ना एकदम लो कर देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम चलाते हुए थिक कर लेंगे दूध को। तो यहाँ पे दूध उबल रहा है ना, अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूध में चावल डाला है ना, तो इसमें कुछ अभी मिक्स नहीं करना है, इसे बस चलाते हुए थिक करना है। तो दोस्तों, ये खीर ना बहुत हेल्दी रहता है। शक्कर वाले खीर से कहीं ज़्यादा ये हेल्दी गुड़ का खीर रहता है। तो आप लोग कभी ये गुड़ का खीर ट्राई ज़रूर करना। तो जब तक दूध और चावल अच्छे से थिक हो रहा है दोस्तों, तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिया है ड्राई फ्रूट, अब इसका फाइन पाउडर बनाएंगे। तो दोस्तों, आप कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में ना पाउडर ही पसंद करते हैं।
तो दोस्तों दूध और चावल को हम ना दूसरे साइड रखेंगे गैस पे पकने के लिए, और इसके लिए हम चाशनी बना लेंगे इस गैस पे। चाशनी बनाने के लिए गैस पे हम रख देंगे एक कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। तो गुड़ का क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि गुड़ हमारा बहुत छोटा छोटा है ना, ये गांव से मैंने मंगाया था। तो अगर आपके पास गुड़ ज़्यादा बड़ा रहे तो आप अपने हिसाब से दोस्तों आप कर सकते हो, कम या ज़्यादा जैसे मीठा आपको पसंद हो। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को भी अच्छी तरह से गलने देंगे चलाते हुए। तो गुड़ को भी हम इस तरह से ना चलाते हुए अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है, नहीं तो ये नीचे से भी पकड़ लेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गुड़ कितने अच्छे से गल गया है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और पक भी गया है। अब इसे हम नीचे उतार देंगे ठंडा होने के लिए। तो दूध और चावल भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे काजू और बादाम का पाउडर। तो ड्राई फ्रूट पाउडर डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से हम चावल और दूध में मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे इलायची का पाउडर, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये खीर कभी भी बना के आप खा सकते हो, कभी भगवान को भी भोग लगाना हुआ तो गुड़ का खीर आप बना सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे नीचे उतार देंगे ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों एक बात का यहाँ पे ना खास ध्यान रखना है कि दूध और वो जो मैंने गुड़ का चाशनी बनाया हुआ है ना, एकदम ठंडा होना चाहिए, और ज़रा भी दोनों में से एक गर्म रहा ना तो खीर तुरंत फट जाएगी। तो यहाँ पे ना दूध और चावल भी अच्छे से ठंडा रहना चाहिए, और ये जो मैंने गुड़ का चाशनी बनाई है ना वो भी ठंडा होना चाहिए, तभी आप दोनों को मिक्स करना। तो खीर अच्छे से यहाँ पे ठंडी हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़ की चाशनी। चाशनी डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कभी भी गुड़ का खीर बनाओगे ना तो गारंटी है कभी आपकी गुड़ की खीर फटेगी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों हेल्दी
और टेस्टी गुड़ का खीर बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।